सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 6 हमसे सब कहते कविता को पढ़ेंगे और इसका सारांश जानेंगे। बच्चों, ये कविता निरंकार देव सेवक जी ने लिखी है और इस कविता में एक छोटे से बच्चे के जो मन के भाव हैं उनको दिखाया गया है। बच्चों, मैं आपको पाठ अभी पहले आप एक एनिमेशन देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाठ पढ़ करके सुनाऊंगी और इसका अर्थ भी समझाऊंगी। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, हम अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती, घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते, बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट लगाए। बच्चों, कविता मैंने क्या बोला था आपको? कविता किसने लिखी है? कविता लिखी है निरंकार देव सेवक जी ने। ठीक है, अब हम इसका सारांश, पहले मैं आपका इसका अर्थ का समझाती हूँ, फिर हम इसका एक सारांश जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। मतलब जो बच्चा है, बच्चे के मन में भाव आ रहा है कि कोई भी सूरज से, सूरज या चांद से कोई ये नहीं कहता है, सूरज से कोई ये नहीं कहता है कि अपनी धूप लेकर के यहाँ, अपनी धूप यहाँ पर मत फैलाओ, इतनी गर्मी हो रही है, यहाँ से जाओ। कोई सूरज से नहीं कहता है। ठीक है बच्चों, यदि सूर्य चंद्रमा ना हो, तो सूरज ना हो तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी तो चारों साइड अंधेरा होगा। लेकिन तभी भी बच्चे के मन में एक भाव आ रहा है कि जो ये सूर्य है, सूरज से कोई भी नहीं कहता है कि अपनी धूप यहाँ मत फैलाओ, हमें गर्मी हो रही है या हमें तुम्हें से कुछ किसी भी चीज़ की परेशानी हो रही है।
कोई सूरज से नहीं कहता है, ठीक है। फिर बच्चा सोच रहा है, नहीं चांद से कहता कोई, उठा चांदनी को ले जाओ। अब चांद से भी कोई नहीं कह रहा है कि भाई तू अपनी चांदनी यहाँ मत फैलाओ, यहाँ से उसको उठा करके कहीं ले जाओ, है ना। तो फिर वो बच्चा सोच रहा है, ना सूरज से कोई कहता है कि अपनी धूप यहाँ पर मत फैलाओ, और ना ही कोई चांद से कहता है कि अपनी चांदनी यहाँ से लेकर चले जाओ, ठीक है, तुम्हारे कारण हमें परेशानी हो रही है, कोई नहीं कहता है। फिर आगे देखिए, कोई नहीं हवा से कहता, क्या बच्चा बोल रहा है, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। मतलब जो बच्चों, यदि हवा नहीं रहेगी तो हम सांस कैसे लेंगे, इसलिए तो हवा सारी जगह है, सारी जगह हवा फैली हुई। लेकिन वो बच्चा कह रहा है फिर भी हवा से, मतलब वो फिर वो अपने मन में सोच रहा है कि हवा से भी कोई नहीं कहता है कि मतलब खबरदार जो अंदर आई, मतलब हवा को भी कोई नहीं कह रहा, कि हवा तो जहाँ उसकी मर्जी होती है वो अपने आप से चली जाती है, ठीक है। इसलिए उसके मन में कह रहा है हवा को भी कोई कुछ नहीं कह रहा है। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। अब बादल से भी कोई ये नहीं कह रहा, बच्चा सोच रहा है कि बादल से भी कोई ये नहीं कह रहा है कि अपने अपनी जलधार यानी कि बारिश का पानी यहाँ क्यों फैला रहे हो, आप क्यों यहाँ पर बरस रहे हो। चल बादल को भी कोई नहीं कहता, बादल को देख के तो लोग खुश होते हैं, अरे वाह बादल पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, ठंडा हो गया। लेकिन फिर वो बच्चा ये सोचता रहता है, ना तो सूरज से कोई बोल रहा है कि अपनी धूप यहाँ से ले, यहाँ यहाँ पर मत फैलाओ, ना कोई चांद से कह रहा है कि अपनी चांदनी यहाँ पर मत फैलाओ, कोई हवा से भी मन नहीं कह रहा है कि अंदर मत आओ, है, हवा की जहाँ मर्जी होती है वो अपने आप से सारी जगह चली जाती है। और कोई नहीं बादल से कहता, कोई बादल से भी नहीं कह रहा है कि अब यहाँ पर मत बरसो, बहुत बरस गए, उनको भी कोई कुछ नहीं कह रहा है, बादल को भी कोई कुछ नहीं कह रहा है कि मत बरसो मत बरसो, ठीक है। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ। फिर क्यों कहते, भैया जो पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ना, छोटे बच्चे, तो भैया को गुस्सा आ जाता है, जो बड़े भाई होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है अपने छोटे भाई बहन को देख करके, वो हमेशा उनको डांटते हैं कि यहाँ पे क्यों शोर मचा रहे हो, तुम मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो, भागो जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, है ना, ऐसे बोलते हैं ना बड़े भैया, ठीक है, जाओ जा करके बाहर खेलो। अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अब मम्मी भी कहती है, मम्मी कहती है तुम आप लोग खेलते हो तो क्या करते हैं, सारी जगह अपने खिलौने फैला देते हो। तो मम्मी क्या कहती है, यहाँ पे खिलौने मत फैलाओ, वहाँ पे खिलौने मत फैलाओ, घर में साफ रखो घर को, मम्मी ऐसे बोलती है ना आपको, ठीक है। मम्मी क्या बोलती है, अपने घर में खिलौने इधर उधर खिलौने मत फैलाओ, साफ रखो घर को, सुंदर बना के रखो, चलो समेटो अपने सारे खिलौने, मम्मी ऐसे बोलती है आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, फिर क्या कहते, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए। अब पापा बेचारे भी थक मान के कॉलेज स्कूल से आ रहे हैं या ऑफिस से घर आ रहे हैं, तो वो भी बेचारे पापा थक गए हैं, तो उनको भी थोड़ा आराम चाहिए। और जैसे ही पापा आते हैं बच्चे शोर करते हैं, पापा को भी, पापा थकान से बोलते हैं जाओ थोड़ी देर जा करके बाहर खेलो, मुझे आराम करने दो, ऐसे बोलते हैं ना पापा। अब क्या कहते हैं, पापा को भी गुस्सा आ जाता है, बच्चे शोर करते हैं, तो पापा बोलते हैं खबरदार जो अंदर आए। पापा कहते हैं बाहर खेलो, पापा कहते हैं जाओ जा करके बाहर खेल जाओ, खेलने जाओ, और जो खबरदार जो अंदर आए, अब अंदर मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं तुम्हें अंदर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना पापा, जा करके बाहर खेल लो थोड़ी देर, मुझे आराम करने दो, ठीक है। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट लगाए। अब बच्चा कह रहा है कि हम पर, मतलब हम छोटे हैं तो हम पर ही सबका बस चलता है, जो जिसका जब मन आता है वो हमको तब डांट देता है, और सब हमको ही डांटते रहते हैं। इसलिए बच्चे के मन में ऐसे विचार आते हैं कि सूरज को कोई नहीं डांटता है, चांद को कोई नहीं डांटता है, तारों को भी कोई नहीं डांटता है, हवा को कोई नहीं डांटता है, बादल को भी कोई नहीं डांटता, और जो भी डांटते हैं तो क्या कहते हैं, सब हमको ही डांटते हैं, जो हम बच्चे हैं, भैया को भी हमको डांटते हैं, मम्मी भी हमको डांटती है, पापा भी हमको डांटते हैं, सब लोग हमें ही डांटते हैं, और हमारे हमारी भावनाओं को कोई नहीं समझता है, हमें खेलने नहीं देते हैं, हमें हर चीज़ का अनुशासन में रहते हैं बच्चे। माँ बाप जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना घर के बच्चों, तो वो अपने बच्चों को काहे में रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं, वो कहते हैं, वो हमेशा उनको बोलते हैं, जब बच्चे गलत काम करते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं ये सही करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है। मम्मी पापा बच्चों को सही राह दिखाते हैं, इसलिए आप लोगों को भी अपनी मम्मी पापा का, जो मम्मी पापा आपको डांटते हैं टोकते हैं, तो आपको उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए कि मम्मी पापा हमें क्या समझा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बच्चों चलो अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। ये क्या है यहाँ पे नया शीर्षक, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम क्या नाम बदलोगे, क्या नाम रखोगे, क्या नाम दोगे बच्चों इसको। बच्चों यदि हम इस कविता का नाम बदलने के लिए कहेंगे तो हम नाम रखेंगे इसका क्या,
टोका टाकी, क्योंकि सब लोग बच्चों को टोका टाकी करते हैं, तो हम क्या नाम देंगे इसको, टोका टाकी। अब करो और मत करो, ठीक है। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। अब बच्चों आपको क्या करने के लिए कहा जाता है, आपको करने के लिए किया जाता है, घर को साफ सुथरा रखने के लिए किया जाता है, कहा जाता है, पढ़ने के लिए कहा जाता है, और स्कूल के नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, और नहीं करने के लिए क्या किया जाता है, क्या नहीं करना चाहिए हमें बच्चों, हमें शोर नहीं करना चाहिए, हमें जब हम पार्क में या कहीं जाते हैं तो उनको हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, और हमें गंदगी नहीं, जब हम कहीं पार्क में या कहीं जाते हैं किसी बाहर घूमने जाते हैं तो हमें गंदगी जगह जगह अपना जो हम खाते हैं रैपर्स वगैरह को जगह जगह फेंक करके हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। अब क्या है देखो बच्चों, जरा सोचो, क्या सोचे हम, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूर्य की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है, और बताओ इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अब बच्चों देखो, आपको पता है जब रात को तारे टिमटिमाते हैं और जब सुबह सूर्य उगता है, तो जो सूरज उगता है तो वो चांद को और चांद की रोशनी को भगा देता है। सुबह हमें दिखता है चांद या चांद की रोशनी हमें सुबह नहीं दिखाई देती ना बच्चों। अब देखिए ऐसे ही बादल सूर्य की रोशनी को भगा देते हैं। अब जब बारिश होने वाली होती है तो पूरी जगह बादल छा जाते हैं और सूर्य की रोशनी ढक जाती है, ढक जाती है तो जो बादल है वो क्या करता है, बादल सूर्य की रोशनी को भगा देता है। अब हवा बादल को भगा देती, कैसे भगाती है बच्चों हवा बादल को, जब हवा तेज से चलती है तो बादल को भी अपने साथ ले जा लेती है, अपने साथ चली लेकर चली जाती है। तो इसमें से, इन तीनों में से सूरज चांद बादल में और हवा में से सबसे बलवान कौन है। अब देखो बच्चों, सूरज जो है वो चांद से ज्यादा अधिक बलवान है, क्योंकि वो चांदनी ताकतवर है, क्योंकि वो अपनी रोशनी से चांद की रोशनी को छुपा देता है। अब बादल, बादल क्या है, वो सूर्य से भी ताकतवर है, क्योंकि वो जब बादल छाते हैं तो सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देती, इसलिए सूर्य और बादल में कौन ज्यादा ताकतवर है, बादल ताकतवर है। और हवा और बादल में कौन ताकतवर है बच्चों, हवा ताकतवर है। क्या, क्यों ताकतवर है, क्योंकि वो बादल को भी अपने साथ ले जा लेती है। क्या करेंगे हम, तुम्हारी बात, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़े बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा किस किस पर बस चलता है, किस पे बस चलता है तुम्हारा, तुमसे जो छोटे तुम्हारे भाई बहन होंगे उनके ऊपर तुम्हारा बस चलता है, या अपने जो तुम्हारी अपनी चीजें होती हैं, अपने खिलौने या अपनी किताबें, उसी के ऊपर तुम्हारा बस चलता है, अपने से बड़ों के ऊपर तो तुम्हारा बस नहीं चलता। जैसे आप कुछ बोलोगे तो आपके बड़े आपको डांट देंगे, ठीक है। तो आपका बस किस पे चलता है, अपनी अपने से छोटे भाई बहनों पर चलता है, और अपनी किताबों पर, अपने खिलौनों पर आपका बस चलता है, ठीक है। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है। अब बच्चों तुम्हारे घर में तो हमारे सभी लोग तुम्हें टोकते हैं, क्योंकि तुम छोटे हो, सब लोग ये कर लो ये कर लो ये कर लो, तो तुम्हारे घर में कौन टोकता है तुम्हें, सब लोग तुम्हें टोकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है, किन किन बातों पर टोका जाता है बच्चों तुम्हें, तो आप आंसर दोगे, हमें शैतानी करने पर, खिलौने फैलाने पर, ज्यादा टीवी देखने पर, और ज्यादा खेलने पर, पढ़ाई ना करने पर, और अपना सामान इधर उधर फैलाने पर, झगड़ा करने पर, सब चीजों पर तुम्हें टोका जाता है, ठीक है। बच्चों देखो, ये सालू ने एक सूची बनाई है और उस सूची को इन जो अलग अलग इसमें इसने खाने बनाए हैं उसमें रखना है। पहले बा से जो स्टार्ट होता है, इस सूची से हमें ढूंढना है कि बा अक्षर से कौन कौन सी चीजें स्टार्ट हो रही है। पहले यहाँ पे तो जानवर या पक्षी के नाम लिखने हैं, यहाँ पे खाने पीने के सामान का नाम लिखना है, यहाँ पे खेल के सामान। अब हम यहाँ ढूंढो, देखो बा से क्या हो रहा है, बकरी बेर बल्ला रख दिया इसने। अब माँ से क्या है, मगर है। माँ से क्या है, यहाँ पे मसाला है। और माँ से क्या है, खेलने का सामान क्या है माँ से बच्चों, माँ से क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ से ढूंढना है। देखो मगर है यहाँ पे, और माँ से क्या है, मसाला है ये, और माँ से ही क्या है, मार कुटाई भी है बच्चों, ठीक है, माँ से ही है ये।
अब का से क्या है यहाँ पे देखो, का से जानवर का नाम क्या है या पक्षी का नाम? कबूतर है। खाने पीने का सामान क्या है का से? ककड़ी है। और खेलने का देखो यहाँ पे कंकड़ है, सामान खेलने का सामान कंकड़ है। और क्या है बच्चों, एक और सामान होगा देखो यहाँ पे, खेलने का सामान कबड्डी है यहाँ पे, ठीक है। कबड्डी भी गेम होता है, उसे खेलते हैं ना। अब देखिए ला से क्या है, ला से जानवर और पक्षी का नाम क्या है? ला से कोई नाम होता है? लोमड़ी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोमड़ी ला से। और खाने का सामान क्या है ला से? खाने का सामान क्या है? लड्डू होगा, ये देखो लड्डू है। और खेलने का सामान है लट्टू। बच्चों देखिए जो ये सूची है, आपने ये जो सूची है आपने यहाँ, ये सूची से आपको इनके नाम छाँट करके यहाँ लिखने हैं, और आपको ये पूरा अपने अपनी बुक में इसे पूरा भरना है। और इधर देखिए यहाँ ये जो जानवरों के नाम, खाने पीने का सामान, खेल का सामान, ये भी आपको यहाँ से छाँट करके यहाँ लिखना है, ठीक है। हमसे सब कहते हैं तालिका में कौन कौन जगह आई है, नीचे दिए तालिका में लिखो। लोग कौन कौन से आए हैं इसमें? लोग आए हैं इस कहानी में, भैया आया है, अम्मा आई है, पापा आए हैं, सूरज आया है, चांद आया और हम आए हैं, ठीक है। अब चीजें कौन कौन सी आई हैं इसमें? खिलौने आए हैं एक, धूप आई है, चांदनी और जलधार। और जगह कौन कौन सी है? जगह है यहाँ, अंदर, घर भर और बाहर, ठीक है। ये हम यहाँ पे जगहों के नाम लिखेंगे। अब बच्चों हम एक कहानी है इसमें आगे, उसे पढ़ते हैं। कहानी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन हम एक बार और इस कहानी को सही सुनेंगे। कहानी का शीर्षक क्या है? कौवा और लोमड़ी। कौवा और लोमड़ी, ठीक है। चलिए इस कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। किसको मिल गई बच्चों रोटी? कौवे को रोटी मिल गई, ठीक है। अब क्या कहते हैं, लोमड़ी ने सोचा। क्या सोचा लोमड़ी ने? कि सोचा क्यों ना मैं इसे कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। अब लोमड़ी ने सोच लिया, सोचा कि मैं इस कौवे को मूर्ख बना करके रोटी इसके मुंह से ले लेती हूँ। अब आगे देखिए, लोमड़ी बोली। अब क्या बोली लोमड़ी? कौवे भैया तुम इतना अच्छा गाते हो। क्या बोली लोमड़ी भैया? लोमड़ी बोली कौवे से कि कौवे भैया तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ, गाना सुनाओ। अब कौवे को क्या हुआ, उसे तो घमंड आ गया, अरे वाह मैं तो इतना अच्छा गाता हूँ। उसने खोला, कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। अब कौवा को तो घमंड आ गया था उस अपने तारीफ सुन के, तो उसने क्या हुआ, उसने कहा चलो ठीक है मैं लोमड़ी को एक गाना सुनाई देता हूँ। जैसे ही उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला तो क्या हो गया, रोटी नीचे गिर गई। और लोमड़ी बिना गाना सुने ही रोटी लेके चली गई, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए, आओ हम इन चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। अब आप ये चित्र देखिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी इसी बुक में इस कहानी को पूरा लिखिएगा, ठीक है। आज की जो हमने आज हमने पाठ पढ़ा या कविता पढ़ी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों, और आपको आनंद आया होगा इसको पढ़ने में, और इसकी एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में पूरी करनी है। अच्छा बच्चों, सुप्रभात, बाय बाय।